मिस इंडिया निकिता पोरवाल अपने गृह नगर उज्जैन पहुंची। उज्जैन पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस दौरान वो बाबा महाकाल के मंदिर पहुंची। उन्होंने महाकाल के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, शाम को उन्होंने रोड शो भी किया और इसी दौरान उन्होंने जनता का अभिवादन किया। निकिता ने फ्रीगंज से लेकर इस्कॉन मंदिर तक रोड शो किया। ये तीन तस्वीरें आपके सामने, निकिता का देखिए किस तरह से स्वागत हुआ, फिर महाकाल के दर्शन करने पहुंची और उसके बाद निकिता ने रोड शो भी निकाला। रोड शो की तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। बाबा का ही मेन तो यार। भोपाल में रविवार को गांधीनगर में फादर एंजल स्कूल के सामने ग्राउंड में नेशनल सुपर क्रॉस चैंपियनशिप शुरू हो गई है। SX1 क्लास में राइडर्स ने दम दिखाए। गॉड स्पीड रेसिंग एसोसिएशन और भोपाल मोटर स्पोर्ट्स की ओर से आयोजित इस चैंपियनशिप में 80 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया। ये FMSCI नेशनल सुपर क्रॉस चैंपियनशिप का तीसरा राउंड है। यहाँ 10 से 14 साल एज ग्रुप के राइडर्स ने भी अपना कमाल दिखाया। इससे पहले इसका पहला और दूसरा राउंड नासिक और कोयम्बटूर में हो चुका है। अगले राउंड पंचगनी, कोच्चि और बेंगलुरु में आयोजित होगा। प्रतिभागियों का कहना है कि यहाँ का ट्रैक काफ़ी मुश्किल और चैलेंजिंग है। आगर मालवा से खबर है जहां पर दिवाली को लेकर के पीएम मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की लोकल फॉर वोकल की अपील का जोरदार असर देखने को मिल रहा है। बाजारों में लोग चाइना और विदेश प्रोडक्ट्स की बजाय स्वदेशी दिए और लाइट्स की खरीदारी कर रहे हैं, जिसको लेकर शिल्पकार भी खुश नजर आ रहे हैं। यही उद्देश्य है कि सभी लोग स्वदेशी अपनाए और ऑनलाइन वगैरह के चक्कर में पड़े, अधिकतर उनकी भी दिवाली मननी चाहिए। ये भी अपनी तरह ही है, गरीब लोग हैं। विगत कुछ सालों से हमारी बिक्री बढ़ने लग गई है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया जाए। तो हमें भी पब्लिक से ही अपील करता हूँ कि आप मिट्टी के दीपक का उपयोग किया करें, दीपावली पे दीपक ले जाएं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।